40 साल पुराना गठिया रोग भी घुटने टेक देता है सिर्फ दिन में दो टाइम खाने से। 7 दिन तक खा करके देख लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, यूरिक एसिड जब हमारे शरीर में बढ़ने लगता है तो गठिया रोग हो जाता है। साथ ही जो लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं उन्हें भी गठिया रोग भविष्य में हो ही जाता है। लेकिन गठिया रोग से पीड़ित 60% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी पाचन शक्ति कमजोर होती है, जिसकी वजह से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और गठिया रोग हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो घरेलू उपाय बताऊंगा वो आपकी पाचन शक्ति मजबूत बनाएगा, आंतों को स्वस्थ रखेगा और लिवर को मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही 40 साल पुराना गठिया रोग भी कुछ ही दिनों में घुटने टेकेगा। तो चलिए देर किस बात की, इस नुस्खे को जानते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी दाना भी आपको ले लेना है। इन तीनों को आपको बहुत ही बारीक पीस लेना है। दोस्तों, आप इस नुस्खे को ज्यादा मात्रा में बनाकर तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तीनों की मात्रा आपको बराबर ही लेनी है। इस नुस्खे का प्रयोग करना कैसे है, चलिए ये जान लीजिए। दोस्तों, सुबह नहाने के बाद खाली पेट आपको इस चूर्ण का 1 चम्मच खाना है गुनगुने पानी के साथ। इसके 1 घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। रात में भी आपको इसका प्रयोग करना है खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद। ऐसा आप 7 दिनों तक लगातार करिए। इस नुस्खे का प्रयोग करने से 40 साल पुराना गठिया रोग भी बिल्कुल से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है, आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को गठिया रोग है उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।